हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। हम लोग लास्ट टाइम जो वीडियो लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग जो पढ़ रहे थे वहीं से हम लोग रुक गए थे। होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप घर पे अच्छे होंगे। हाँ, तो आप लोग घर पे लॉकडाउन पे फंसे हुए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ सीखें घर पे। उसके लिए हम लोग रोज कुछ ना कुछ लेक्चर के रूप में आपको दे रहे हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, और अभी जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ये ईयर लॉन्ग चलेगा, और इसमें भी पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। ऑपरेटर साहब, थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल कर रहे थे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल में हम लोगों ने पहले सबसे पहला जो कैलकुलेशन ऑफ मोल किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि when weight is given तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला था कि जो भी वेट गिवन होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला था उसके बारे में बात कर रहे थे, और उसमें था कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, क्या था, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, और हमको क्या, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और हम लोगों ने बात किया था कि एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻²³ होगा। हम लोग अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये जो 6.023 × 10⁻²³ है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻²³ लेके कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग, मतलब जो हमारा कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे JDFC। क्या बोलेंगे? JDFC। अब देखिए JDFC क्या है, झास डेवलप्ड फास्ट कैलकुलेशन। हम लोग कैलकुलेशन को भी जल्दी जल्दी करने के लिए सीखेंगे, ये धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन हमारा जो है कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जो हमारा पार्टिकल्स होगा वो या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और उसको भी हमको उसका भी कैलकुलेशन करना है हमको। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। हमको कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। हमको ये कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। हमको यदि क्वेश्चन में देखें तो गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 जो है हमारा 6.023 × 10⁻²³। और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग के पास ऊपर में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, 6.023 × 10⁻²³, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो होता है 6.023 × 10⁻²³।
जो कैंसिल का आउट की है तो 1 मोल आया, तो हमारा मोल यहां से भी कैलकुलेट हो सकता है, हमारा मोल यहां से भी कैलकुलेट हो सकता है। आप इसको कॉपी कर लिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे, उसके बाद इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.046 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हमको क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.046 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि यहाँ मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो यहाँ पार्टिकल है वो क्या है, मॉलिक्यूल, और वो भी मॉलिक्यूल किसका है, CO2। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो कि दिया हुआ है 12.046 इंटू 10^23 और इसको डिवाइड कर देना है 6.023 इंटू 10^23 से, ये कैंसिल आउट होके 2 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मोल। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि हमको वेट गिवन होगा और मोल निकालना है, और दूसरा क्या है कि हमको पार्टिकल्स गिवन होंगे और उससे भी मोल निकालना है। तो हम लोग इस दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, हम लोग इस दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट, उसको वेट बोल देते हैं, अपॉन मॉलिकुलर वेट, और ये हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर को सॉरी कैपिटल एन ए लिखते हैं, एन ए से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। इस पर भी हम लोग कैलकुलेशन, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमको क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2, क्या है 88 ग्राम ऑफ CO2। तो हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमको वेट ऑफ CO2 दिया हुआ है और हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू गिवन वेट जो कि 88 ग्राम्स है, और यदि CO2 का ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का हमारा होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 इंटू 16 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसको 44 ग्राम से हम लोग मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल। अब इससे हमको आगे बात करनी है, इससे क्या करनी है हमको आगे बात करना है, और इससे आगे क्या बात करना है कि हमको मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो 2 इंटू एन ए हो जाएगा और इसी को लिखते हैं 2 इंटू 6 इंटू 10^23। हम लोगों ने बोला था कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए करने के लिए हम लोग 6.023 को 6 इंटू 10^23 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा
12 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। आप इसको कॉपी कर लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि हमको मास गिवन होगा, क्या होगा, मास गिवन होगा, और मास से हमको मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल से हम लोग पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और पार्टिकल्स या हम लोग मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, क्या मान सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से हम लोग एटम्स भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एटम्स। यदि हमको मास से मोल पे जाना है, हमारा गिवन जो वेट है उससे यदि मोल पे जाना है तो हमको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मास से हमको मोल पे जाना है तो डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यदि मोल से हमको पार्टिकल्स में जाना है तो हमको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि मॉलिक्यूल्स हमको पता है और मॉलिक्यूल से हमको एटम्स पे जाना है तो हमको उस मॉलिक्यूल में जो भी हमारा एटम है उसके एटॉमिसिटी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हमको मॉलिक्यूल से एटम्स पे जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। जैसे हम लोग CaCO3 में ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3। कार्बन के एटॉमिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 1 होगा और कैल्शियम भी 1 होगा। तो ये आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा होगा। अब देखिए ये हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। यदि मोल से हमको मास पे जाना है, क्या करना है, मोल से मास पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल से मास पे जाने पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। यदि हमको पार्टिकल्स से ये मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा, और यदि एटम से हमको मॉलिक्यूल्स पे जाना है तो हमको डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से डिवाइड। तो हम लोग मास से नंबर ऑफ एटम्स पे जा सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो आप इस फ्लो चार्ट को पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप इसको, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, यदि आपको इसको कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिसको अभी घर पे बैठे हुए हैं और उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो यदि आप उनको भी बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा के आप जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप कृपया करके वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप होप आपने इसको उतार आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है
कि हमारे पास हमको एटम्स निकालने हैं किसके, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के, जबकि हमको वेट ऑफ CaCO3 गिवन है। यदि आप इसको फ्लो चार्ट से बनाइएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। आपको यदि कोशिश करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि सॉल्यूशन हमारा मैच करता है कि नहीं, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको गिवन क्या है, वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू 200 ग्राम। यदि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो भी हमारे पास गिवन वेट है 200 ग्राम है, और CaCO3 का यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, और 3 × 16 = 48 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 ग्राम होगा। क्या होगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 2 मोल आ गया। अब देखिए आप फ्लो चार्ट पे जाइएगा तो जब मोल से हमको मॉलिक्यूल्स पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल से एटम, और मोल्स पे मोल से यदि हमको मॉलिक्यूल्स पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N। काहे कि हमको एवोगैड्रोस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमको मॉलिक्यूल से यदि एटम्स पे जाना है तो हमको इंडिविजुअली यदि हमको कैल्शियम के एटम्स पता करने हैं तो कैल्शियम के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यदि हमको कार्बन के एटम्स के बारे में पता करना है तो कार्बन के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, और यदि ऑक्सीजन के एटम्स पता करने हैं तो ऑक्सीजन के एटम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 × 2Na, बिकॉज कैल्शियम का यहाँ जो एटॉमिसिटी है वो 1 है, तो ये 2Na हो गया। यदि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करें तो ये भी 1 है, 1 × 2Na इक्वल टू 2Na हो जाएगा। और यदि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बात करना है तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 3 है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 3 है, तो 3 × 2Na इक्वल टू 6Na। मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया होगा, आप आंसर मिला लीजिए। आप इसको यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आपको इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यदि हमको एटम्स पता चल गए तो एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको एक कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा, और वो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, हम लोग उसको रिकैप करते हैं। यदि कोई एक्स एक एलिमेंट है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए उसका एटॉमिक मास है, तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यदि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का एक चैप्टर है, हाँ, तो उसमें आपने क्या सीखा होगा कि हमारा जो एटम होता है, एटम का जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है।
देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ये बात गलत है। जैसे हम लोग इस चैप्टर के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम यही सोच के रखेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स है। क्या है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो पूरा मास है वो कहां कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा मास ऑफ एन एटम जो होगा वो उस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, यदि उसको सम कर दें तो हमको पता चल जाएगा किसी भी एटम का मास क्या है। तो हम लोग ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर जानते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा? जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहां से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए माइनस जेड। मतलब एटॉमिक मास को यदि एटॉमिक नंबर से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस प्रकार से हम लोग प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। हमको क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या निकालना है? कि हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है किसमें? 12 ग्राम कार्बन में। यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो हमको वेट ऑफ कार्बन गिवन है। क्या है? वेट ऑफ कार्बन इज गिवन। तो हम लोग के पास क्या है? गिवन वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 24 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन, यहां हमारा एटम है कार्बन का तो ग्राम एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 24 ग्राम्स अपॉन 12 ग्राम हो जाएगा, तो हमारे पास 2 मोल पता चल गया। नंबर ऑफ मोल से हमको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पे जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? यदि यहाँ एटम है तो हमको नंबर ऑफ एटम्स पे जाना पड़ेगा ऑफ कार्बन। क्या पता करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। और इसके लिए हमको इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2Na क्या पता चल गया? एटम। अब देखिए हम लोग यदि कार्बन के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6 हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि निकालें इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। अब देखिए सिंगल एटम यदि कार्बन का है तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारे पास 2Na इलेक्ट्रॉन है, 2Na एटम्स है और एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2Na इंटू 6 इक्वल टू 12 Na इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 Na प्रोटॉन हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें तो 12 Na प्रोटॉन हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। Thank you.
ऑपरेटर से आप देखिए तो क्या हुआ, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के पास थर्ड फॉर्मूला है और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम जब गिवन होगा तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगा कुछ बेसिक लॉस के बारे में और उसमें हम लोग बात करेंगे एसटीपी और एनटीपी के बारे में। क्या है एसटीपी और एनटीपी? एसटीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितने देर का वीडियो होना सर? 26 मिनट। तो एसटीपी क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए यहां हम लोग दो स्टैंडर्ड कंडीशन है, एक एसटीपी है और दूसरा एनटीपी है। देखिए हमारे पास हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में दो दो स्टैंडर्ड हैं क्यों? दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन जिसपे हमारा कोई रिएक्शन होता है। तो देखिए ये दोनों इसलिए डिफाइन किया गया कि क्या हुआ, जब इनिशियल फेज केमिस्ट्री का था उस समय देखा गया कि हमारे पास बहुत कम रिएक्शंस थे और मैक्सिमम रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वे हो जाता था, मतलब हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री हुआ तो हमारा रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे होता ही नहीं था। तो हम लोग के पास क्या हुआ कि पहले तो एसटीपी डिफाइन कर लिया गया और सारे बुक्स में एसटीपी को लिख दिया गया। अब क्या हुआ कि मैक्सिमम रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे हो ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक नया स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन किया जिसपे हमारा रिएक्शन होता था और वो हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो देखिए एसटीपी पे हम लोग का जो कंडीशन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन, हमारा प्रेशर 180 एम होगा और वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। क्या होगा? 22.4 लीटर। अब हमारा एनटीपी डिफाइन किया गया, एनटीपी पे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिया गया जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस में यदि 273 को ऐड कर दें तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, और इसको केल्विन में चेंज करें तो ये 298 केल्विन हो गया। हमारा प्रेशर यहां भी 180 एम रखा गया और वॉल्यूम 22.6 लीटर। लेकिन हम ये जो वॉल्यूम का चेंज है ये सिर्फ एक चैप्टर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उस पे ये चेंज को यूज करेंगे, हम लोग इस चेंज को यूज नहीं करेंगे और यहाँ 22.4 लीटर पे ही हमारा कैलकुलेशन होगा। और क्या बोला जाता है कि यदि कोई भी गैस हमारे पास हो, कोई भी गैस हो, और यदि उसका एक मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी या एनटीपी पे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोग जब लेक्चर खत्म कर रहे थे तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है हमारा लाइट चला गया था, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि लाइट नहीं जाए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। 11th के जो बच्चे हैं वो इसको कॉपी में लिखेंगे, 12th के बच्चों के लिए भी ये जरूरी है, क्या है कि यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होगी, और यदि आप टारगेट की तैयारी कर रहे हैं, आप टारगेट में हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, काहे कि मोल यदि गोल हुआ तो आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री गोल हो जाएगा। एक्चुअली आपका पूरा केमिस्ट्री गोल हो जाएगा, काहे कि ये कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। जैसे आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, यदि आपको मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 नहीं आएगा तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, सिमिलरली यदि आपको मोल नहीं आएगा तो आपको आपका केमिस्ट्री गोल हो जाएगा। तो इन बातों के साथ आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।